गाथा 60 के भावार्थ पर हमने चर्चा चालू की, उसका पहला पैराग्राफ अपना हुआ था। और पहले पैराग्राफ में ये बताया था कि एक दृष्टि जो पर्यायों को से अभेद असाधारण गुण मात्र को ग्रहण करती है, उस दृष्टि से व्यवहार आदि भाव जीव के नहीं है, इसलिए उनका कथनचित निषेध करने में ये लाइन ख्याल में आई। छावड़ा जी 114 नंबर की गाथा पेज नंबर पर जो भावार्थ लिखा है, और वहाँ स्पष्ट कहा कि जब हमने देखा कि किसी का किसी के साथ कोई संयोग हुआ ही नहीं, किसी का किसी के साथ कोई संयोग हो सकता नहीं, जब ये बात आई समझ में तो संयोग से बनने वाली अवस्थाएं, उन अवस्थाओं के निमित्त से होने वाले रागादि भाव, ये कैसे? पॉइंट समझा कि नहीं समझा? अपन कहते ना खाजा होता है खाजा, और मोड़ा खाजा होता है ना मीठा खाजा होता है, तो खाजा तो खा जाता खाए जा है। अब मोड़े में मजा नहीं आया, मीठा होना है गड़ियू खाए, तो एना माटे शू करू पड़े? इन्हें ये जो उसका नमकीन वाला हिस्सा था बराबर, उस नमकीन वाले हिस्से को आपको चाशनी में डालना पड़ेगा, और वह जब उसके अपने प्रदेशों में उस मिठास को स्थान दे देगा, तब उस उसके संयोग रूप से ये गड़े खाजे की अवस्था बनेगी, मीठा खाजा की अवस्था बनेगी, बराबर। ये अवस्था बनी कब? जब संयोग हुआ तब, बराबर। ख्याल में संयोग नहीं होता तो वो अवस्था नहीं बनती। अब जब वो अवस्था बनी तो उसके आधार पे किसी को जिसे कहते नमकीन खाजा अच्छा लगता था और उसके सामने मीठा खाजा आ गया, ये क्या कर दिया, पूरा बिगाड़ दिया, हमें तो वैसा अच्छा लगता था, तो उसे द्वेष हो रहा। और जिसे मीठा खाजा क्या गुजराती गल गल कूड़ो गल कूड़ो जो कोई व्यक्ति हो ना, हाँ, एने शू ए गम है, क्योंकि उसे कौन सी अवस्था अच्छी लगती थी, मीठे की। तो संयोग अवस्था जब हुई तब संयोग के आधार पर दो प्रकार के भाव हुए, राग भाव और द्वेष भाव। ठीक है, इतना दृष्टांत समझ में आया। अब कोई कहे कि हमें तो संयोग करना ही नहीं या संयोग हुआ ही नहीं, समझ में आया? तो जब संयोग हुआ ही नहीं तो संयोग रूप अवस्था नहीं बनी, और संयोग रूप अवस्था नहीं बनी तो संयोग रूप अवस्था के आधार से जो राग देश आदि भाव होने वाले थे वो कहां से होंगे? अरे गहराई से देखा जाए, जब परमार्थ से देखते हैं तो हमें खाजा भी दिखाई नहीं देता, मोड़ा और फीका का तो प्रश्न ही नहीं। खाजा स्वयं क्या है? एक संयोग रूप अवस्था है, बहुत सारे आटे के कण मिल मिलकर क्या बन जाते हैं, खाजा बन जाते हैं, फिर उसको अपन दूसरे संयोग में ढाल देते हैं, फिर उस संयोग के आधार पर राग देश करते हैं। ये पूरा क्रम किससे हो रहा है? संयोग से चालू हो रहा है। अब जो नए हर अवस्था में आटे के कण को अलग अलग देख रहा है, आई नहीं है, एक दृष्टि तो है ना, अल्टीमेटली सबका मूल तो क्या है, आटे का कण, बराबर। जो नहीं ये देख रहा है कि जैसा आटा डब्बे में था वैसा ही आटा, अरे यहाँ तक कि गेहूं रूप स्कंद में भी, और थोड़े सूक्ष्मता में जाओ तो गेहूं रूप स्कंद में भी आटे का कण स्कंद है कि अलग अलग, अलग अलग है तो अलग अलग हुआ, अलग अलग नहीं होता तो अलग अलग नहीं होता, है कि नहीं? बस हम बैठ रहे दिनेश भाई, गेहूं में तो कितने सारे आटे के कण हैं, ये सब एक में एक है कि अलग अलग, मानने को तैयार हो तो?
दिखते एक हैं लेकिन हैं अलग अलग। क्योंकि देखो हर एक व्यवस्था की, दाल को अब जब पीसने जाते हो तो दो भागों में क्यों डिवाइड होती है, क्योंकि वो एक रूप होने पर भी उसमें दो पना है। ये न्याय बैठा कि नहीं बैठा? अब तो खैर माता है, मैंने कोई घर का कोई काम ही नहीं करती, कहाँ से याद आवे ये सब बात है। लेकिन ये सब बहुत स्पष्ट मैंने देखा, मेरी मम्मी बहुत टाइम तक वो करती थी, मूसल से उसको खांटती थी, बहुत समय तक मैंने देखा उसको। और यही काम होता था, जब वो किसी दूसरे के यहाँ जाती थी वो करने के लिए, तो बस साथ में ले जाती थी, वो कूट रही हम बैठे बैठे कूटते हुए देख रहे हैं। समझ आए? अरहर की दाल हो, तुअर की दाल हो, या चने की दाल हो, कोई बाहर से नहीं आती थी, क्योंकि वो बुजुर्ग ऐसे कहते थे पता नहीं कैसी मशीनें होंगी, चने पानी से धुली होंगी कि नहीं धुली होंगी, इतना विचार किया जाता था अनपढ़ लोगों के द्वारा। जब से हम पढ़े लिखे तब से हमने बहुत विचार किया, हमने सिर्फ टेस्ट का विचार किया, हमने ब्रांड का विचार किया, हमने आराम का विचार किया, पर पढ़े लिख गए तो अहिंसा का विचार करना छोड़ दी। समझ में आया? अब बोलो किसका ज्ञान बढ़िया? वो अनपढ़ लोगों का ज्ञान बढ़िया कि हमारा पढ़ा पढ़ाया ज्ञान बढ़िया? सोच लेना जरा, वो तो एक दृष्टि है आपके साथ कि उन लोगों के मूल में ही विचार था, इसीलिए कि नहीं नहीं मशीन से जो प्रोसेस हो गया है दाल वो नहीं लेंगे, और वो जो इस खलड़ को गए उसको भी छने पानी से धोते थे सबसे, उसके बाद में सब काम होता था। ठीक है, वो तो बात आई, मूल बात समझना। इतना ज़्यादा आपको खलड़ मूशन नहीं पकड़ाना मुझे, थोड़ा बहुत धर्म में आ जाओ उतना ही बहुत। देखो अब क्या कहते हैं यहाँ पे, जैसे जैसे वो जब दाल को हम कूटने गए तो दाल जो दो टुकड़ों में डिवाइड हुई तो दो टुकड़ों में ही क्यों हुई, कि जब एक रूप दिखती थी तब भी दो थे कि नहीं, समझे कि नहीं? एक रूप दिख रही है लेकिन तो भी दाल थी। अब उससे दूसरा प्रश्न निकल के सामने आता है कि जैसे दो रूप होने पर भी एक रूप दिखती थी, ऐसे गेहूं के कण में, गेहूं के दाने में असंख्यात कण हैं, और वो असंख्यात कण इसीलिए हुए क्योंकि वो असंख्यात कण गेहूं में एक रूप रहते थे। जैसे दाल में दो पड़ थे वो एक रूप दिखते थे, ऐसे गेहूं में असंख्यात कण हैं जो एक रूप दिखते। अब एक नए ऐसा है ना कि जो ये देख रहा है कि जब गेहूं का दाना है तब भी उसका कण कण भिन्न है, डब्बे में जो आटा है तब भी उसका कण कण भिन्न है, फिर उससे आपने कुछ भी बनाया तो भी कण कण भिन्न है, फिर उसके आज की वो बात आ गई कि मोड़ा खाजा बना कि गड़िया खाजा बना कि और कुछ बना, तो भी मूलभूत रूप से वो कैसा कण कण भिन्न है। एक नए हमेशा उस कण पर दृष्टि रखता है, और जो कण पर दृष्टि रखता है वो संयोग को गिनता नहीं। मज में आया क्या बोला? और उसकी जो जब संयोग उसकी दृष्टि में आते ही नहीं, जब संयोग उसकी दृष्टि में आते ही नहीं, तो दो भिन्न भिन्न पदार्थों के संयोग से बनने वाली दशा कैसे आएगी, और उस दशा के कारण होने वाले जो रागादि भाव हैं वो कैसे होंगे? बात बैठ रही है ना? जब जिस नए ने ऐसा देखा कि कण कण भिन्न है तो खाजा ही नहीं बना, वो मौड़ा ही नहीं हुआ, वो गड़ा ही नहीं हुआ, जब कुछ हुआ ही नहीं तो रागदेश कहां से हुआ? ये है निश्चय की दृष्टि। संयोग के बीच में भी जो किसको देख रही है? मूलभूत चीज को, असंयोगी स्वभाव, और जो उस रूप देख रहा है उसको कभी रागादि होते नहीं। आप पहली डाल पढ़ो,
पहली डाल पढ़ो, और पहली डाल पढ़ने के बाद में छह डाल की पहली डाल पढ़ो। अब वहाँ पे ये देखो कि आत्मा नरक में गया, ओ हो नरक के दुख, नरक के दुख। त्रिंच में गया, त्रिंच के दुख। देवगति में गया, मनुष्य गति, दुख 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 दुख, आंखों से आंसू आने लगे। बराबर, फिर ये तो आपने पहली डाल पढ़ी तो आंसू आ गए। फिर किसी का पुराना एल्बम देखा, बोले अच्छा ये स्विट्जरलैंड गया, या मैं स्विट्जरलैंड गया, ये यहाँ घूम के आया, यहाँ गया, तो फिर मैं वहाँ गया, तो सुख 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 लगने लगता है। तो ये तो दोनों किस भूल से उत्पन्न हुए कि मैं वहाँ गया। अगर दोनों जगह ये दृष्टि हो कि मैं तो कहीं गया ही नहीं, मैं तो अपने असंख्यात प्रदेश में ही रहा, ना नरक का संयोग पाकर नारकी हुआ और ना स्वर्ग का सुख पाकर देव हुआ, मैं तो जीव था और जीव ही रहा, तो संयोग हुआ ही नहीं, तो संयोगी भाव कैसे। चलो नरक स्वर्ग तो बहुत आगे की बात हुई, किसी तीर्थ क्षेत्र में जाओ और ऐसी रूम ना मिले तो कम उतना तब तो लगा सकते। अरे एसी को मैंने छुआ ही नहीं, ये छोटी छोटी जगह प्रयोग करो, कहीं पे जाओ अच्छा भोजन ना मिले तो ऐसा नहीं करना, अरे ये तो मुझे स्पर्शता ही नहीं, ये थोड़ा थोड़ा भी प्रयोग करने लग जाओगे ना तुम, तो अपने आप जो कर्मों की पोटली है ना वो तो कितनी कम हो जाए, समझे। मालूम है लेकिन मन में से पंडित जी बात तुम्हारी बधु साची, पौन पुश सुरसुरिया है भाई, तत्व ज्ञान सुरसुरिया नहीं, तत्व ज्ञान तो अखंड दीप है, ये बात समझ लो। ये जो इसको तत्व ज्ञान को सुरसुरी फटाके के जैसे समझ रहे हैं ना, ये बड़े बड़े छलावे में हैं, जितने बम धड़ाके करने हो यही कर लो पंडित जी, घर में तो हमें जैसा जीना है वैसे जीने दो, जान लोगे क्या हमारी, हर जगह इतना विचार करने लग जाएंगे। अरे प्रभु ये तत्व ज्ञान सुरसुरी बम नहीं है, ये तत्व ज्ञान कैसा है, अखंड दीप है। और अखंड दीप के बारे में कहा जाता है कि वो कभी बुझना नहीं चाहिए, ऐसा है। और एक और बात समझ लो, जब तक इस दीपक का प्रकाश है तब तक ही कर्मों के बंधन में कमी है। जैसे ये प्रकाश झांका पड़ता है या बंद हो जाता है, उसी क्षण से आप देखना कि कर्मों का बंधन प्रबल हो जाता है। बहुत मैं भी मतलब संसार में रह रहा हूँ आपकी भांति, और ये मेरे विचार निरंतर चलते रहते हैं कि जिस क्षण भी तत्व ज्ञान की ज्योति मंद पड़ती है, उसी क्षण में अपने आप को विकारों के गहरे कीचड़ में पा लो। जैसे ही थोड़ी उससे दृष्टि हटी कि देखता हूं कि कीचड़ में सन गया, जरा सी भी नजर हटे तो पक्का इतना दुष्प्रभाव दिखाई देता है। इसलिए सबसे खूब निवेदन करता हूं कि भैया ये जो ज्ञान दीप यहां जल रहा है, इसको थोड़ी दृढ़ता दो, थोड़ी हवा दो, थोड़ा तेल दो, बराबर, नहीं तो बुझ जाएगा, और बुझ जाएगा तो ये अंधेरा पता नहीं, यदि अवसर चूक गया तो फिर पछताएगा, फिर काल अनंत तेरे दुख का घन छाएगा, ये लगना चाहिए। वो बात बिल्कुल सही, ठीक है। तो संयोग को देख देख कर बहुत जिए, और संयोग को देख देख कर बहुत रागादि भाव से मरे। अब कहते संयोग को देख ही मत, असंयोगी स्वभाव को देख, ये जो ऊपर वाली दृष्टि। अब लेकिन दूसरी बात करते हैं, देखो अहीं शुद्ध नहीं थी, अभी जन्म बंदी बात, अहीं शुद्ध नहीं थी दृष्टि थी कथन छे तेथी एम सिद्ध करो। अब ये जो बात थी ना पूरी पूरी बराबर, ये पूरी शुद्ध नहीं की बात थी, अब व्यवहार की सिद्धि करते हैं। एम सिद्ध करो कि आ सर्व भावों ने सिद्धांत मा जीवना कया छे ते व्यवहार थी कया छे,
सिद्धांत में इन सब को, सिद्धांत मतलब समझ गए ना, किसमें सारे ग्रंथों, कोई कोई इसमें आश्चर्य की बात है, समय सार आदि वेद ज्ञान परक ग्रंथों के अतिरिक्त, बहुत स्पष्टता के साथ दृष्टि परक ग्रंथों के अतिरिक्त करणान योग, चरणान योग, द्रव्यान योग, प्रथमान योग, आगम प्रमाण, सब जगह कौन सी बात आती है, वर्णादि वाला जीव, राग आदि वाला जीव, वर्णादि वाला जीव, राग आदि वाला जीव, यही कहना आता है। तो कहते हैं सर्वभाव ने सिद्धांत में जीवना कया छे ते सेना थी व्यवहार थी कया छे जो अबे आगे बात करें जो निमित्त नैमित्तिक भावनी दृष्टि थी जोवामा आवे तो व्यवहार कथनचित सत्यार्थ पण कही शकाय छे। सुखी दू कि एक एंगल से व्यवहार सत्यार्थ है भी निश्चित कहाँ है, कथनचित बात है ना, व्यवहार सत्यार्थ। अब देखो उसको कैसे कैसे सत्यार्थ समझना, अब एक एक तरफ से आप लगाओ कि भाई है बहुत शरीर अपना आत्मा नहीं है ना, साधना में मोक्ष मार्ग नहीं है ना, बोले सही बात है, तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि मनुष्य हो पुरुष हो तो ही मुनि दीक्षा धारण कर सकता है। श्वेतांबर आदि कई बार यही तो कुतर करते हैं, कैसा कर्तव्य करते हैं कि एक तरफ आप कहते हो मोक्ष मार्ग आत्मा का है, दूसरी तरफ ये कहते हो कि पुरुष को ही होता है, तो आत्मा कहाँ पुरुष है कहाँ स्त्री है, आई कि नहीं ये बात समझ में। तो ये जो बात कही गई, अगर ये सर्वथा शरीर का संयोग नहीं है और सर्वथा शरीर के संयोग से रहित आत्मा है, तो मनुष्य पर्याय में पुरुष पर्याय में मुनि दीक्षा होती है, ये क्यों कहा गया संगनी पंचेंद्री को ही, और वो भी त्रयंचोर मनुष्यों में ही पांचवा गुणस्थान होता है, ये क्यों कहा गया संगनी पंचेंद्री चार गति के जीवों में ही सम्यक दर्शन होता है, ऐसा क्यों कहा गया। सब एक जो भी इंद्रिय आदि के भेद पढ़ाए बताए, ये सब किसके आधार पर है, आत्मा के आधार पर, परम पारिणामिक भाव रूप आत्मा तो जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष में जाए, वो तो निगोद में भी है, एक इंद्री में भी है, द्विंद्री में भी है, सब जगह है, तो पंचेंद्री वाले को पशु को मोक्ष का अधिकारी क्यों नहीं कहा, स्त्रियों को मोक्ष का अधिकारी, मुनि दीक्षा का अधिकारी क्यों नहीं कहा, असैनी को सम्यक दर्शन का अधिकारी क्यों नहीं कहा, आई कि नहीं ये बात समझ बैठ रही है बात है, समझ में आया। ऐसे ही है भाई साहब, उनका कारण मूल समझो कि भाई निश्चय से वेद ज्ञान की दृष्टि से इनको भिन्न कहा जाता है, लेकिन अमुक अमुक जगह व्यवहार की दृष्टि से देखा जाए तो इनके साथ में अभेद करके भी कहा जाता है। तो हमें क्या समझना, हमें तो श्रीमद की बात याद आती है, ज्या ज्या जे जे योग्य छे त्या त्या ते ते आचरे आत्मार्थी जन, ये दोनों बातें समझना। देखो समझ समझ के पिंड इतने बन गए कि नीचे की लाइन नहीं भूल गए, जहाँ जहाँ जे जे योग्य छे, पंडित व्याख्यान में निश्चय लगा दिया, व्यवहार लगा दिया, ये लगा दिया, वो लगा दिया, सब लगा दिए, चलो फिर आचार विचार व्यवहार में है। अरे मैं गुस्सा करूँ पंडित, राग कहाँ मेरा है, आप ही ने समझाया था। अरे भाई जब ये समझाया जाए कि राग मेरा नहीं क्रोध मेरा नहीं, तब तुझे वितरागी बनाना चाह रहे हैं, और अभी तू राग कर रहा है क्रोध कर रहा है तो अटकाने के लिए कहते कि भाई ऐसे परिणाम क्यों कर रहा है, मेरे नहीं है वो तो, मेरे नहीं है लेकिन अभी हो तो तेरे में रहे ना, तो ता ता ते ते आचरे, वहां वहां पे क्या करे, वैसा वैसा आचरण करे। देखो किस पे जोड़ दिया, आचरण, यानी समता की जब बात आवे तो राग आदि भावों से भिन्नता मंदता के उपदेश को सुने, अहिंसा की बात आवे तो मर्यादित भोजन मर्यादित आचार विचार करे,
शील संयम की बात आवे तो स्त्री पुरुष का विवेक रखे। अब बहुत सारे नए लोग ऐसे कहते हैं, अरे आत्मा कहाँ पुरुष है, कहाँ स्त्री है, ये सब बातें व्यर्थ है। जिसको जिसके साथ रहना हो, जिसको जिसके साथ बातें करनी, जो अरे भाई तू समझ, त्या त्या ते ते आज। और जो नहीं कर रहा अब उसके हम क्या कहें, आत्मार्थी नहीं है बस सीधी। अगर श्रीमद ऐसे कहते हैं कि वो आत्मार्थी है जो ऐसा आचरण करता है, तो जो ऐसा आचरण नहीं करता वो क्या है, सीधा अर्थ नहीं निकलेगा। आई कि नहीं बात समझ, त्या त्या ते ते आचरे, समझ में आया कि नहीं है, वहां पे वैसा वैसा आचार करे तो आत्मार्थी, और अगर ऐसा आचार करने वाला आत्मार्थी है तो दूसरा अर्थ निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कि जो वैसा आचार नहीं करता, जो वैसा विचार नहीं करता वो आत्मार्थी। अब बोल के हम तो पूरा असंयम का व्यवहार भी आत्मा के आधार पर कर रहे हैं, बोलो विचार करना क्या कह रहा हूं शब्द, आत्मा के आधार से संयम होता है कि आत्मा के आधार से असंयम होता है। निश्चयाभासी आत्मा के आधार से असंयम पालन करता है, व्यवहाराभासी आत्मा के आधार पर अरुचि करता है, और ज्ञानी आत्मा के आधार से आत्मानुभूति करता है। क्या बोला, आई कि नहीं बात समझ में, तीन बातें बोली, कौन कौन सी, निश्चयाभासी आत्मा के आधार से क्या करता है असंयम, मतलब वो देखो हर जगह इन्हीं गाथाओं का प्रयोग करेगा। उससे कहो कि राग आदि मत करो, राग मेरे में नहीं है, हिंसा मत करो, अरे मैं किसी को मार सकता नहीं, जो मारे जो ऐसा माने बंद अधिकार पढ़ के आओ, जो मानता हूँ अन्य को या मुझे मारे अन्य जन, ये मान्यता अज्ञान है, जिन वर्ग हैं भव्य जन, वो किसका पालन कर रहा, हिंसा का पालन कर रहा। अभक्ष भक्षण छोड़ने की बात कर, अरे आत्मा ने तो राग को ग्रहण किया नहीं आज तक, ये पर को कहाँ ग्रहण करेगा, अभक्ष भक्षण उसके आधार पर कर रहा। उससे बोलो कि भोगों में इतने ज्यादा क्यों लगे, अरे अरे आत्मा तो पर को छूता ही नहीं, भोगेगा कहाँ से, आई कि नहीं ये बात समझ में। तो जो निश्चयाभासी जीव है वो आत्मा के आधार से अथवा आत्मा के अज्ञानता के आधार से अथवा अंदर में पड़ा हुआ विषयों का महाभयंकर रस, बराबर अंदर में क्या पड़ा हुआ है, विषयों का महाभयंकर रस, और उसे आत्मा की बातें उसकी पुष्टि का कारण बनने में लगे। तो निश्चयाभासी आत्मा की उल्टी पुल्टी आदि अधूरी जानकारी के आधार पर किसका पोषण कर रहा, विषय भोगों और असंयम का। और व्यवहारावासी जीव क्या कर रहा, उसे आत्मा की बात करो और ऐसे लगे कि जैसे गटर खोल दियो, उसे मतलब आत्मा रुचते ही नहीं, क्या आत्मा आत्मा करते हो, पूजा करो पाठ करो, मतलब ऐसे जगत में दिखाई देता है। वो आत्मा की इतनी अरुचि रखता है कि आत्मा की बात कहो तो भी समझ में नहीं आती, बैठती नहीं है दिमाग में बात। और आप, मैंने तो कई बार देखा है जैसे एकदम हो ना, उनको थोड़ा समझाने सब तो हमें दिमाग में बैठता नहीं है, हमें इतना बता दो क्या करना है, कितनी माला, मतलब प्रश्न यहाँ से खड़ा करता है, बैठता नहीं है, समझ में नहीं आता तो समझने का उपाय करूं, जिज्ञासा रखूं। जैसे आठवीं गाथा में बताया था ना, मिलेक्ष को समझ में नहीं आ रहा था लेकिन आंखें चौड़ी कर करके देख रहा था, समझने की जिज्ञासा कर रहा था, और एक बार जिसने जिज्ञासा की आत्मा की, विश्वास कीजिए आत्मज्ञान कठिन नहीं, जिज्ञासा कठिन है, क्योंकि अमूर्त के विषय में जिज्ञासा होना ये सुपात्रता के बिना नहीं होता है, ये मेरा अनुभव। मूर्त के विषय में जिज्ञासा होना मोह के कारण हो जाता है। क्या बोला, मूर्त के विषय में आप किसी रूप रस गंध वर्ण वाली वस्तु हो, कभी आपने देखी ना हो, कभी जानी ना हो, तो भी अंदर में मोह पड़ा हुआ है ना, और मोह किसका भौमिया है,
मोह रूप रसगंध का वो भी है। तो मोह रूप रसगंध वर्ण वाली वस्तु के बारे में जिज्ञासा होना बहुत सहज है, लेकिन रूप रसगंध रहित वाली वस्तु यानी आत्म वस्तु के बारे में जिज्ञासा होना, ये आप विश्वास कीजिएगा कि जब तक आपकी पात्रता नहीं आएगी तब तक नहीं। और अगर आज आप लोग विचार कर रहे हैं इसके बारे में तो निश्चित रूप से ये आपकी पात्रता को प्रदर्शित करता है, नहीं तो नहीं आती। ये फैक्ट है, इसमें कोई, क्योंकि मैं नहीं कह रहा, टोटल मल साहब कहते हैं भली होनहार है जिनकी जिनको ये विचार आता। क्या लिखा उन्होंने, क्या क्या प्रश्न बोला कहाँ पे, नवीन श्रोता के स्वरूप में, भली होनहार है जिनकी उनको ये विचार आता है कि मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है। इसका सीधा सीधा अर्थ निकलता है जो ये विचार नहीं कर रहा उसकी होनहार भली नहीं, अथवा भली होनहार होती है तब विचार जागृत होता है। बस में आया, इसलिए ध्यान से समझना भाई, जिन धर्म में किसी को राजी नहीं किया जाता, जिन धर्म में किसी के प्रति बटर भी नहीं लगाया जाता, और जिन धर्म में अन्यथा क्रूरपणा भी नहीं होती। इसलिए ये जो कह रहे हैं कि भाई अगर आज हम आप सब मिलकर ये आत्म वस्तु का विचार कर रहे हैं तो ये आत्म वस्तु निश्चित रूप से हमारे परमात्म स्वरूप की प्रकटता का सुकाल आ गया है ये बताने वाली। आत्म भावन भावता जीव लये केवल ज्ञान, और इसी से मुझे पता होता है। कई बार बहुतों को बताता हूं लेकिन बहुत कम लोग पकड़ पाते हैं, मुझे जरा भी दुख नहीं होता, सही बता रहा हूं। भावना हो तो दुख नहीं होता, ऐसा मतलब ठीक है, अभी जब अभी पात्रता नहीं आई इसीलिए सुन नहीं रहा, जब पात्रता आएगी तो इस बात से मैं मेरा पुरुषार्थ भी मंद नहीं करता, लेकिन इस बात से मेरी बताने की भावना से सामने वाला समझ जाए ऐसा आग्रह भी नहीं रखता। दोनों बातें समझना, आपको बताने की भावना नहीं होगी आप प्रमादी हो जाओगे, बराबर बताने पर भी आपने बोला इतना बताया समझता क्यों नहीं, इतना बताया समझता क्यों नहीं, तुरंत आप दुखी हो जाओगे। तो ना तो प्रमादी होना है ना दुखी होना, सहज भाव से कहते जाना है, और वो समझेगा कब, पात्रता आएगी तब, चेक इन बैलेंस। तो आत्मा के आधार से निश्चयवासी असंयम का पोषण करता है, व्यवहारवासी आत्मा के नाम पर अरुचि रखता है, और ज्ञानी, हाँ ज्ञानी आत्मा की बात सुनकर, शुद्धता की बात सुनकर, रागादि से हटकर अपने चिदानंद चैतन्य अमृत रस का पान करता है। ये ज्ञानी का लक्षण, ये ज्ञानी का लक्षण, ठीक है ना, समझ में आया। तो जो भी है व्यवहार से ऐसा सत्यार्थ भी है, शरीर आदि वाला जीव है कहाँ, निषेध नहीं कहा, आत्मा को कथनचित मूर्ति भी बोला है, ग्यारहवीं गाथा द्रव संग्रह, व्यवहार से आत्मा मूर्ति की क्यों बोला था, क्योंकि सर्वथा अमूर्तिक होवे तो कर्म बंधन का अभाव हो जाए, जब तक कर्म बंधन से सहित है तब तक आत्मा को कथनचित मूर्ति भी कहा। कथनचित मतलब इसका ये मतलब नहीं है कि आत्मा में रूप रस गंध वर्ण आ गए, लेकिन अहिंसा के पालन के लिए आत्मा को कथनचित मूर्ति कहा जाता है। कर्म बंधन से बचने के लिए आत्मा को कथनचित मूर्ति कहा जाता है। सर्वथा अगर ऐसा मान लिया जाए कि अमूर्तिक ही है, तो फिर मैंने आपको बताया था ना एक मत 363 मतों में प्रकुद्ध का चयन का, कि वो ये कहता है कि जैसे आकाश में तलवार चलाने से किसी का घात नहीं होता, वैसे ही किसी का गला काट दो कोई मरता नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे आकाश अमूर्तिक है वैसे आत्मा अमूर्तिक। इस मत को नहीं है क्या, भूल गए होंगे, बताइए जी थोड़ी दिन पहले बात।
प्रकृद्ध कच्चैन नाम का एक दार्शनिक था, 363 मत है ना, उनमें एक ही मत भी था और इसका वर्णन बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। वो क्या कहता, क्या मान्यता उसकी, आकाश में तलवार चलाई किसी का घात हुआ नहीं हुआ, क्यों, आकाश कैसा है, अमूर्तिक। तो जैसे आकाश में तलवार चलाने से किसी का घात नहीं होता, ऐसे किसी का भी गला काट दो कोई हिंसा नहीं होती, क्यों, क्योंकि जैसे आकाश अमूर्तिक है वैसे जीव भी कैसा है, अमूर्तिक। अब लो, अब ऐसी बात है, कोई बाहर कुछ खबर पड़ जाए तो उन्हें तो एक और अच्छा हथियार मिल जाए, पुतिन तो कल ही एटम बम फोड़ दे, क्योंकि जो मरे वो मैंने मारे नहीं, वो तो मरे मरे ही थे। है गीता में भी तो ऐसे ही करके उसे चढ़ा दिया अर्जुन को, पता है आपको गीता में, अब वो भले ही आते हैं अभी सिलेबस में ऐसी सब बातें चल रही, रखना गीता को रखना, लेकिन इसकी जो पृष्ठभूमि है ना वो बड़ी खतरनाक है। अर्जुन का संन्यास का मन हो रहा था और क्रमबद्ध पर्याय और उपादान निमित्त के खोटे ज्ञान के आधार पर उसे लड़ा दिया, अगर सरल भाषा में कहें तो ऐसा, क्रमबद्ध पर्याय बताइए कैसी, अरे जिसे तू, ये तो देख 15 दिन बाद सब मरे हुए ही, क्या बता दिया वहां पे, क्रमबद्ध पर्याय, तुझे श्रेय लेना है तो ले ले, ये तो मरने वाले ही हैं, तू तो निमित्त मात्र है, क्या सिखा दी उसे, उपादान निमित्त, और ये सब सिखाकर उसे महाभारत करवा दी। अब इसके आधार पर कोई कभी भी किसी भी रूप में हिंसा आदि का पोषण कर सकता कि नहीं कर सकता, बराबर ख्याल में आएगा। अब जिस एजेंडे पे सरकार चल रही है उस एजेंडे में तो यही आएगा है? और कुछ बोलने जाओगे तो फतवा जारी हो जाएगा समझ में आया, इसलिए भाई साहब बाहर का सिनारियो बहुत है, अभी भी कुछ लोग बहुत अति आश्चर्य में आके हिंदू हिंदू हिंदूवादी करते हैं। देखो एक बात समझ लो, मैं कई बार सोशल ग्रुप के मैसेज देखता हूँ ना, तो हिंदूवादी हिंदूवादी सब बातें आती हैं, देखो भैया अपने जैन धर्म के लिए जितनी खतरनाक मुस्लिम सांप्रदायिकता है उतनी खतरनाक हिंदू सांप्रदायिकता भी है। आप अति आश्चर्य में आके इनका सपोर्ट मत करो, अभी आपको ये दिख रहा है, लेकिन एक और बात आपको बता दूं कि जैन दर्शन को जितना नुकसान मुस्लिमों ने नहीं पहुंचाया उससे ज़्यादा नुकसान इस परंपरा से पहुंचा। अभी ये सब इतिहास आपको पता नहीं, और गाडरिया प्रवाह में आप जुड़ जाते हो सोशल डायरेक्टली इनडायरेक्टली उसी सोशल सेल से, आईटी सेल उनकी जो है 100% मैसेज फ्रॉड है, तो फ्रॉड होते हैं, कोई प्रामाणिकता नहीं, कोई आधार नहीं, दुनिया को मैं नहीं बदल पाता। मैंने कहा दो दो सिंपल सिद्धांत बोलता हूँ, पवन बंद नहीं कर पाते तो बारी बंद कर लेते, क्या बोला, पवन बंद करना चाहते हैं नहीं हो पाती, प्रवाह नहीं सामर्थ्य नहीं इतना, तो क्या करो बारी बंद कर, और वो भी नहीं कर पाओ तो आंख तो बंद कर ही लो कम से, आग बंद कर लो ये। लेकिन चीज को समझना कि इसी आधार पर, एकांत के आधार पर महाभारत हुई, क्रमबद्ध पर्याय के सूत्र मिलते वहां पर, उपादान निमित्त के सूत्र मिलते वहां पर, लेकिन पूरी क्रमबद्ध पर्याय किसके लिए, आत्मकल्याण के लिए नहीं, महापरिनिर्वाण के लिए नहीं, महाभारत के लिए। उपादान निमित्त की बातें भी मिलती हैं किसके लिए, ये पर से हटकर अपने में जम जाओ इसके लिए नहीं, उपादान निमित्त की बातें भी मिलती इसके लिए कि भाई मर के स्वर्ग भोगोगे और अगर जी गए हत्वा वा भोक्ष से स्वर्गम जीतवा भोक्ष से मही, कि मर गए लड़ते लड़ते तो स्वर्ग में जाके भोगोगे और अगर जीत गए तो धरती पे ही स्वर्ग भोगोगे, बात किसकी आई, भोग की आई है?
किसकी बात आई? भोग की बात है। तो मैं इसीलिए वहां तो कह दिया तू तो निमित्त मात्र है, बन जा, वो तो मरे मरा है। पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? इसीलिए दोनों चीजों को समझना चाहिए, गहराई से समझना चाहिए बात को, गहराई से समझना चाहिए। और आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि ये अभी जो बहुमत बहुमत अल्पमत बहुमत ये चल रहा है, राजनीति अपनी जगह है। अब वो लोकतंत्र की व्यवस्था ये है कि यहाँ पे दो में से एक ऑप्शन को चुनना पड़ता है, बेस्ट ऑप्शन को नहीं, बेटर ऑप्शन को चुनना पड़ता है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है क्या कह रहा हूँ? ये सब लोगों को ध्यान से समझना है बात। डेमोक्रेसी की प्रॉब्लम क्या है? हैं कि हमें बेस्ट ऑप्शन नहीं, बेटर ऑप्शन चुनना पड़ता है। तो बेटर के हिसाब से जो भी आपको लगाना है वो लगाओ, उसकी बात नहीं कर रहे, लेकिन बेस्ट तो जिनवाणी में है, दृष्टि तो जिनवाणी के आधार पे बनानी। वो राज सत्ता कैसे चलेगी, वो क्या चलेगी, ये नहीं आएगा तो कौन आ जाएगा, वो नहीं आएगा तो कौन आ जाएगा, उस बात में वो अलग व्यवस्था है। आपको उसका प्रचारक नहीं बनना, उससे मिथ्यात्व का दोष लगता है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? हैं? इसीलिए भले ही कितने, आजकल तो बड़ा सुलभ है, पहले लोग दस एक में एकाध कोई होता था जो बोलता था, अब तो सब बोलने लगे मुंह से नहीं उंगलियों से, क्योंकि कहीं का आके कहीं पहुंचाना है, हमें क्या कुछ अपना करना। समझ में आया? तो ये उंगलियों से जो बोल बोल रहे हो ना, ये बोल मिथ्यात्व के हैं कि सम्यक के, ध्यान रखना। सोशली भी ऐसी बातों को हमें प्रमोट नहीं करना, धार्मिक दृष्टि से तो निषिद्ध है ही, सामाजिक दृष्टि से भी जिसमें मिथ्यात्वादी का पोषण हो, अज्ञानता विषय हिंसा असंयम आदि का पोषण हो, उन चीजों का सोशली भी हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। पॉइंट समझ में आया कि नहीं है? मुझे पता नहीं कितना समझे कि नहीं समझे, लेकिन बड़ी इम्पोर्टेंट बात आपके सामने रखी है, क्योंकि देखता हूँ बस उसमें यही बात आती कि व्यक्ति की विज़न कितना छोटा है, कितना छोटा विज़न है, अध्ययन कितना कच्चा है, दृष्टि कितनी कच्ची है, मतलब कुछ समझ नहीं पा रहा कि कंकर हाथ में आया कि हीरा हाथ में आया कि कोयला हाथ में आया, बस जो है वो कर रहा। समझ में आया? इसलिए थोड़ा विचार करो, हैं देखो। तो बात क्या आई थी यहाँ पे, समझ में आई ना, कि अगर सर्वथा इन भावों को हटा दिया जाए तो व्यवहारावास निश्चयवास का दोष आ जाए, किसका दोष आवे, और फिर जो हम विवेक की बातें करते हैं कि हमें आत्मा को पाना है, आत्मोपलब्धि को पाना है, पर से भिन्नता अनुभवना है, वो सारी बातें गायब हो जाएंगी। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं निमित्त नैमित्तिक भाव थी दृष्टि थी जोबा में आवे तो ते व्यवहार कथनचित सत्यार्थ, पण ये सत्यार्थ छे वो नहीं, जे जे रीते सत्यार्थ छे ये रीते छे, अने जे रीते सत्यार्थ छे ये रीते सत्यार्थ छे, अने जे जे प्रकारे कथन करवामां आवे एज प्रकारे करवू जोईए, अने एज प्रकारे आचरण पण करवू जोईए। करे कहीं व्यवहार शा माटे छे, मने एम कहो, सिंपल व्यवहार उपदेश के लिए नहीं, व्यवहार जीवन के लिए, और दृष्टि निश्चय का कथन भी उपदेश के लिए नहीं है, निश्चय का कथन अनुभव के लिए। अब समस्या क्या हो गई पता? हम सबका उपदेश देने लगे, आई कि नहीं ये बात समझ में? फिर से मेरी बात को ध्यान से समझना, व्यवहार व्यवहार उपदेश के लिए नहीं जीवन के लिए है, और निश्चय निश्चय भी उपदेश के लिए नहीं अनुभव के लिए है। तो एक अनुभव के लिए है और एक जीवन के लिए है, हम ना अनुभव वाली वस्तु का अनुभव कर रहे हैं ना जीवन वाली वस्तु को जीवन में ला रहे हैं, और दोनों की क्लास ले रहे हैं बस।
है, आएगी नहीं बात समझ? दोनों की क्या कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, मतलब हम दोनों जड़ रहे हैं, तो क्लास लेना गलत, सब जड़ क्लास की है। अगर क्लास नहीं की होती स्वाध्याय नहीं तो कोई जड़, अरे भाई तो ये दोनों ही पता नहीं होते। ये उपदेश का है, ये अनुभव का है, ये पता कैसे चला? क्योंकि मंथन कर रहे हैं। अब मंथन करके जो दें त्या त्या ते ते आचरे, भाई जीवन में जिनको स्थान देना है उनको जीवन में स्थान दो, और अनुभूति में से जिनको निकालना है उनको निकालो, त्या त्या ते ते आचरे। और इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? यहाँ से शुरू होता है, खत्म नहीं होता, इतना समझ लो बस। तत्व यहाँ से शुरू होता है, खत्म नहीं। जैसे कोई किसी को MBBS बनाता है गवर्नमेंट, तो इसके लिए नहीं बनाती कि तुम घर में बैठकर बस अपने माँ बाप बेटे बेटी का उपचार करो। गवर्नमेंट लाखों खर्च करके अगर किसी डॉक्टर को बनाती है तो उसका पर्पस क्या होता है कि तुम जाके सबको ये बात बताओ। बस यहाँ पे जो थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं तो यही पढ़ा और यही समर्पित कर दिया, इसके लिए नहीं, बाकी जीवन की जितनी भी अवस्थाएं, उन सब अवस्थाओं में जीवन में धारण करने लायक वस्तु को जीवन में धारण करो, और अनुभूति में निकालने लायक वस्तु को अनुभूति से निकालो। ये धर्म का मर्म है भाई साहब। सुनने से शुरू और सुनने पे खत्म, तो गुनना कब आएगा, बनना कब आएगा, जीना कब आएगा, अनुभवना कब आएगा? ख्याल में आया? विचार जो सर्वता सत्यार्थ कहवामां आवे तो सर्व व्यवहार नो लोप थई जाए। अबे जो आगे इने करता खतरनाक लाइन बोले छे कि व्यवहार नो लोप थता, शू कहे छे बोलो, परमार्थ नो पण लोप थई जाए। आ समझी लेजो खतरनाक लाइन छे कि भले व्यवहार निश्चय व्यवहार का निषेध करता है, लेकिन लेकिन अगर व्यवहार का लोप हो जाए तो परमार्थ का भी लोप हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे जितने भी छाल होती ना, छाल, वो सब आप खाते टाइम पे उस छाल का निषेध कर देते हो। केला खाओ, कैरी खाओ, कोई भी फल खाओ, पपीता खाओ, छाल के साथ खाते हो कि छाल निकाल कर खाते हो? छाल निकाल कर खाते हो ना, सारे फल लगभग लगभग ऐसे ही। तो आप खाते टाइम पे छाल का क्या कर देते हो, निषेध कर देते हो। अब पहले ही निषेध कर दो तो गजब है कि नहीं? आपको नहीं लगता कितना आश्चर्य? छाल के साथ में जो फल कई कई दिनों तक सुरक्षित रहता है, और छाल निकाल दिया तो तुरंत वापरने लायक होता है। थोड़ी भी देर रखोगे तो अलग हो जाएगा, उसका स्वाद बदल जाएगा। एप्पल है ना, एप्पल, केला, कोई भी फल, आप कितनी देर तक बाहर बिना छाल के रख सकते हो? कभी आश्चर्य किया? तुरंत वो काला पड़ जाएगा, स्वाद बदल जाएगा उसका। तब जिस चीज का आपने निषेध किया वही चीज आपकी उस प्रयोजनभूत वस्तु को वर्षों तक सुरक्षित रखे थे। इसीलिए निषेध करना ये तो प्रश्न है ही, लेकिन कब निषेध करना ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। लगभग वैसे ही जैसे घर में बेटी जिस दिन से पैदा होती है उसी दिन से हमारे मन में आता है कि भाई अभी सोचा लगे कि ट्रेडिशनल सोच की बात कर रहा है, अब इसमें कोई दृष्टांत में ज़्यादा काउंटर क्वेश्चन मत करना, एक ट्रेडिशनल सोच की बात कर रहे हैं कि जिस दिन से बेटी ने जन्म लिया उसी दिन से हमारी दृष्टि में होता है कि ये तो क्या है, एक दिन दूसरे घर पे जाएगी। अब एक दिन दूसरे घर पे जाएगी वो सही बात है, तो फिर आज से खिलाना पिलाना बंद कर दो, पढ़ाना लिखाना बंद कर दो, तू तो पर है, तू तो पर है, तू तो पर है, ऐसे रोज उसको सुनाना चालू कर दो, तो पापी कैसा, निर्दय पिता, वो पिता कैसा, निर्दय पिता।
और बोले मेरी है, मैंने खिलाया, मैंने पिलाया, मैंने पढ़ाया, मैंने लिखाया, तो विदा नहीं करूंगा, तो कहलाएगा मोही पिता। आए कि नहीं? हाँ बोलो, निर्दय पिता बनना है कि मोही पिता बनना? क्यों बने? सही किसे कहा जाता है कि जब तक, मतलब जो क्या कहते हैं, उसकी विदा का समय ना आए तब तक अपने से ज्यादा ध्यान किसका रखे? अपनी संतति का रखे। और जैसे ही सुपात्र मिले तो उस सुपात्र को सौंप कर क्या हो जाए? निर्विघ्न हो जाएगी, चलो भाई सुपात्र है, अब चिंता नहीं। ऐसे ही मोक्ष मार्ग है कि अगर उस बच्ची को आपने, व्यवहार रूपी बालिका को बचपन में ही आपने खत्म कर दिया तो वो निश्चय सुपात्र का प्रश्न ही नहीं आएगा, तो व्यवहार के साथ परमार्थ का भी। तो निषेध तो करना है लेकिन कब करना है ये चीज बहुत महत्वपूर्ण। समय के पहले निषेध कर दिया, जैसे होता है ना बालक का भी उत्पन्न होने का समय होता है ना, है? कोई हमेशा पेट में रहे तो समस्या, बोले पेट से बाहर आना है तो 9 महीने तक कौन राय देगे? दूसरे तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें में भी कभी भी कर लो तो असमय में संतति उत्पन्न करोगे तो मर जाएगी, और समय में उत्पन्न नहीं होगी तो मर जाएगी। मतलब हर चीज की टाइमिंग होती है। ये निश्चय व्यवहार भी यही है कि अगर समय से पहले व्यवहार का निषेध कर दिया तो व्यवहार का ही निषेध नहीं होगा, व्यवहार के साथ में परमार्थ का भी निषेध। और समय आ गया तो भी व्यवहार को पकड़ के बैठे हो तो भी लोग हो जाए। तो दोनों चीजें, ना निर्दय पिता बनना है ना मूर्ख पिता बनना है, विवेकी बनना है। और जिनवाणी यही हमें सिखाती है।